हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ आईकॉल का ये K60 जो एक फ्लिप फोन है। और आप इसे देखेंगे तो काफी बढ़िया फोन है ये। यहाँ पे आपको जो है इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इस फोन को आप सभी को अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ और मुझे काफी पसंद आया फोन। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसकी जो डिजाइन है काफी अच्छा है। गोल्ड कलर वाला जो है मैंने वेरिएंट को ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। एंड जो है इस फोन को मैं आप सभी को गिव अवे भी करूंगा। अगर आप जो है इस वीडियो पे कम से कम 5000 लाइक्स ला देंगे तो आप सभी को ये फोन जो है किसी एक विनर को जो है गिफ्ट में दूंगा। तो गिव अवे में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मुझे फॉलो जरूर कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप सभी को किसी एक प्लेटफॉर्म पे जो है मैं अनाउंस कर दूंगा रिजल्ट अगर 5000 लाइक्स इस वीडियो पे आ जाते हैं। तो चलिए फटाफट इस फोन की जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है क्या आपको देखने को मिलता है, कैसा फोन है, मैं अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये फ्लिपकार्ट की तरफ से ये आप बॉक्स देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट से जो है हमने ऑर्डर किया है। और इसे यहाँ से खोल के ओपन करते हैं, ये बिल विल निकालते हैं। काफी अच्छी पैकिंग की गई है। और ये रहा हमारा स्मार्टफोन, बॉक्स भी आपको येलो कलर में दिख गया है। तो इसे हम जो है अनरैप करते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा आईकॉल। तो ये फ्रंट साइड है बॉक्स का। नीचे की तरफ आप सभी को दिखाऊं, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस मारेंगे तो यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये इस तरफ आप देखेंगे 3 कलर्स टोटल अवेलेबल है, फ्लिप फोन है। यहाँ पे आप देखिए काफी बढ़िया दिख रहा है। पीछे की तरफ भी दिखाऊंगा, तो पीछे की तरफ अगर आप देखें तो आपको 3 कलर्स देखने को मिलेंगे और सभी FM रेडियो, ब्लूटूथ और जैसे म्यूजिक प्लेयर हो गया, कैमरा हो गया, सभी यहाँ पे जो है फीचर्स मेंशन किए हुए दिख जाएंगे। इसके बैक साइड में काफी बढ़िया बॉक्स यहाँ पे है, आपको सभी फीचर्स जो है यहाँ पे दिख जाएंगे। डुअल सिम कार्ड लगा सकते हैं, सिंगल माइक्रो SD कार्ड है। ओपन करते हैं बॉक्स को फटाफट। यहाँ पे जो है हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है। उसके बाद हमारा फोन जो है मेन डिवाइस ऊपर ही रखा हुआ है। ये रहा हमारा फोन, इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है इस जो है बॉक्स में। ये है बैटरी, इसी बैटरी को हम लगा के अपने फोन को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले जमाने में ऐसी बैटरीज आपको देखने को मिलती थी, अभी भी थोड़े फोन्स में जो है स्मार्टफोन्स में भी जो है बैटरीज लगानी पड़ती है हमें। एंड इस टाइप की जो है ये हमको बैटरी देखने को मिल जाती है आईकॉल की ब्रांडिंग के साथ में। एंड यहाँ पे चार्जर भी दिया गया है हमको, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। आजकल तो जो है एप्पल जैसे लोग जो है चार्जर निकाल दे रहे हैं, पर हमें यहाँ पे चार्जर देखने को मिलता है। आपको माइक्रो SD वाला एक बेसिक सा चार्जर है जो फोन को अच्छी तरीके से चार्ज कर देगा, कोई सुपर फास्ट चार्जर ऐसा नहीं है। और भाई हमारा सबका जो फेवरेट यहाँ पे बुक्स, तो कभी कभी जो है बुक्स काम में भी आ जाती हैं हमारे, बहुत सी काम में आती हैं। तो अभी जो है बॉक्स में और कुछ है नहीं, साइड में रखता हूँ और सभी को जो है आप सभी को फोन दिखाता हूँ। तो ये रहा जो है फोन, मेन फोन। वाओ गाइस, मतलब मस्त है यार इसकी बिल्ड क्वालिटी, मैं देख के हैरान हो गया, काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। इसे ओपन करते हैं, वाओ क्या कीपैड दिया हुआ है, स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी है, ब्रांडिंग आप देख सकते हैं आईकॉल की। एंड जो है बटन्स को आपको अच्छे से दिखाऊं मैं, गोल्ड कलर में आते हैं। ये देखिए काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन दी गई है एंड यहाँ पे आईकॉल की ब्रांडिंग है। ऊपर ईयर पीस देखने को मिलता है, कॉलिंग वगैरह बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे कैमरा देखिए, फ्लैश लाइट है, स्पीकर्स हैं और जो है बहुत ही अच्छी यहाँ पे प्रीमियम वाली लुक दे देता है, जैसे कि एक मोटरोला का रेजर पहले आया था वैसे भी ये जो है वैसा ही दिखता है। एंड यहाँ पे साइड में दिखाऊं तो ये चार्जिंग पोर्ट आप देखिए, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट, और ये देखिए डिजाइन काफी बढ़िया दिख रहा है। वो सेम डिजाइन इस तरफ भी है, गोल्ड कलर में दिखता है और दिखने में जो है प्रीमियम लुक देता है। एंड इस पीछे वाले बैक पैनल को हम खोलेंगे जिसमें हम अपनी बैटरी को लगाएंगे, तो इसे जो है पहले हम खोल लेते हैं। इसे खोलते कैसे हैं भाई, तो स्लाइड करके जो है खोल सकते हैं हम इसे, इस तरह अगर स्लाइड करेंगे तो खुल जाता है। वाओ काफी इंटरेस्टिंग है। पीछे की तरफ आप देखिए यहाँ पे आप SD कार्ड लगा सकते हैं। इसे खोल के मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ये देखिए ये खुल गया और इसमें आप SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। भाई लोग नीचे आप देखोगे तो डुअल सिम जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। नीचे की तरफ बैटरी को लगाते हैं जल्दी जल्दी जो है और फोन को ऑन करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है फोन को
ऑन करने के बाद में देखते हैं क्या होता है। इस तरह से बैटरी लग जाती है पीछे के कंपार्टमेंट में और ये काफी स्मूथ तरीके से क्लोज भी हो जाता है। मैं आप सभी को सच्ची में बताऊं तो बिल्ड क्वालिटी इस फोन की काफी बढ़िया है यहाँ पे। एंड ये देखिए इस तरफ से जो है इसे खोलते हैं, रेड बटन ऑब्वियसली जो है यहाँ पे हमको दिख जाएगा, ये खुल रहा है। इसकी साउंड जो है, इसका साउंड आप सुन सकते हैं, काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पे जो है ये खुल चुका है और पीछे की तरफ देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ें काफ़ी अच्छी ब्लिंक हो रही है। देखा आपने, ये नोटिफिकेशन लाइट्स हैं मैसेज के लिए, कॉल के लिए और बैटरी के लिए। अगर बैटरी लो है तो आपका जो है रेड वाला जलने लगता है। तो यहाँ पे फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको ये देखिए ये जो स्क्रीन है ये भी मैं कहूँगा ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी की है। इस प्राइस में और क्या लोगे भाई, क्या सुपर एमोलेड लोगे। तो यहाँ पे इस तरह अगर ये खोल के दिखाऊँ तो बहुत ही अच्छा स्लिक डिज़ाइन दिखता है ये। जब आप बात कर रहे होंगे तो जो है लोग देख के सोचेंगे कौन सा फ़ोन है भाई ये। एंड काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे काम किया गया है इस फ़ोन पे। ऐसे आप मैसेज भी यहाँ पे आसानी से चेक कर पाओगे। यहाँ पे आपको दिखा दूँ इसके फीचर्स, मल्टीमीडिया है, आप म्यूज़िक सुन सकते हो इसमें। एंड यहाँ पे कैमरा है। एंड सेटिंग्स में आपको दिखा दूँ जो है यहाँ पे कैमरा को एक बार ऑन करके देखते हैं हम, बाद में ऑन करेंगे, पहले आपको यहाँ पे आपको दिखा दूँ और भी चीज़ें जैसे कॉल लॉक्स हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोफाइल्स वगैरह जो है साइलेंट मोड पर डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको और भी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी जैसे कि फ़ोन सेटिंग्स हो गया, डुअल सिम सेटिंग्स हो गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है आपको फ़ोन बुक भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सभी कॉल्स एम्प्टी है, अभी मैंने चेक नहीं किया, सिम नहीं डाला है। तो यहाँ पे आप सभी को जो है ये फ़ोन जो है काफ़ी बढ़िया है एंड दिखने में अच्छा दिखता है। ये जो है आप देखेंगे तो सभी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो फ़ोन है ये मैं गिव अवे करने वाला हूँ किसी एक व्यूअर को। अगर इस चैनल पे जो है इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाती हैं तो मैं आप सभी को ये फ़ोन ज़रूर से जो है गिव अवे कर दूंगा। और इसको जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मुझे इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक ट्विटर पे फॉलो करना होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं एंड मैं लाइव आके रिजल्ट्स को अनाउंस करूंगा अगर 1K जो है लाइक्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग दी गई है। आपको एक बार और दिखा दूँ ये रेड बटन, ये कैमरा का बटन काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है दोस्तों। इसे दबा के हम जो है यहाँ पे कैमरा को ऑन कर सकते हैं। ऊपर रिंग लाइट लगी हुई है तो मेरे स्क्रीन पे जो है आपको थोड़ी सी लाइट दिख जा रही होगी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अच्छे लाइट कंडीशन में इसकी फ़ोटो निकाल रहा हूँ और ये देखिए काफ़ी बढ़िया जो है अच्छी सी फ़ोटो निकल के आई है। मतलब एकदम स्मार्टफोन वाली क्वालिटी नहीं है पर काम चल जाएगा आपका, ऐसे जो है फोटोस ये निकाल सकता है। तो इसे जो है हम यहाँ पे जैसे फोल्ड करेंगे ऊपर आप जो है देख सकते हैं, अगर मैसेज आता है तो ब्लू कलर जलेगा, अगर कोई मिस कॉल आया है तो आपको जो है वो ग्रीन कलर वाला जलेगा। जैसे मैं इसे खोलता हूँ देखिए यहाँ पे तीनों ही आपको नोटिफिकेशन लाइट्स जलती हुई दिखेंगी और जब चार्ज करेंगे तो आपका रेड वाला जो है जलेगा, अगर बैटरी लो है तो आपका वो रेड वाला ब्लिंक करने लगता है। तो यहाँ पे ये जो तीनों ही लाइट्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये जो है फोन, फ्लिप वाला काफी बढ़िया फोन है, इसे आप ऐसे फ्लिप करके यूज करेंगे तो बहुत ही जो है अच्छा दिखता है। एंड बिल्ड क्वालिटी भी ऑनेस्टली बहुत अच्छी है इसकी। 1800 रुपीज में आपको फ्लिपकार्ट पे ये देखने को मिलता है। आप सभी को जो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस फोन को परचेस कर सकते हैं। एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, गोल्ड कलर में आता है, कलर भी बहुत अच्छा है इसका। एंड बैटरी जो है आप इसे लगा के निकाल भी सकते हैं एंड सिम कार्ड दो लगा सकते हैं, एक जो है माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। इसकी स्पीकर की क्वालिटी काफी अच्छी है, मैंने जो इसमें माइक्रो एसडी कार्ड लगा के सॉन्ग सुने तो बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे मैं कहूंगा इस प्राइस के हिसाब से एक अच्छा आउटपुट निकल के आता है इसके स्पीकर से भी। कैमरा तो एवरेज साइज मतलब एवरेज क्वालिटी का है, इससे आप कुछ खास फोटोज नहीं ले सकते पर इसके हिसाब से ये अच्छा परफॉर्म करता है। तो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ले लीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिए गिव अवे में। आप सभी को जो है मैं ये पहला अपने चैनल पे गिव अवे करने वाला हूं अगर 5000 लाइक्स आ जाते हैं। एंड मुझे जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे जरूर फॉलो कीजिए, आप सभी को वहां पे जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एंड इस फोन के बारे में बस इतना ही, आपको कैसा लगा ये फोन मुझे अपने ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करते हुए बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो जो है ज्यादा लोगों के पास ये जो है अच्छा सा फोन जो है पहुंच पाएगा। एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
गया।